एसटीएफ टीम ने बीती रात सेक्टर 39 में थाना मोती नगर के अधीन आते क्षेत्र कम्युनिटी सेंटर के पास मोटरसाइकिल सवार एक युवक को 2.5 करोड़ की हीरोइन सहित काबू किया है। एसटीएफ लुधियाना रेंज के इंचार्ज हरबंस सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर मौके पर एसटीएफ के डीएसपी राजेश कुमार पहुंचे, जिनकी हाजिरी में उक्त युवक की तलाशी ली गई तो उसकी जैकेट में एक प्लास्टिक का लिफाफा निकला जिसमें 500 ग्राम हीरोइन थी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। युवक की पहचान किशनकांत रिक्की निवासी गोविंदगढ़ सानेवाल के रूप में हुई है। अधिकारी ने बताया कि कुछ माह पहले किशनकांत व केवल कृष्ण एक लोहे की फैक्ट्री में काम करते थे। केवल कृष्ण फैक्ट्री में मार्केटिंग मैनेजर था और किशनकांत स्टोर कीपर के तौर पर कार्य करता था। इसके बाद दोनों में आपसी दोस्ती हो गई। काम छोड़ने के बाद कुछ दिन पहले ही किशनकांत शिमलापुरी में केवल कृष्ण के पास गया, जहां केवल कृष्ण ने उसे नशा बेचने के लिए कहा। मोटा मुनाफा मिलने के चलते वह हेरोइन लाकर ग्राहकों को बेचने लगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें।